दिक्कत हो रही है और साथ साथ खाने पीने की भी अब सामान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देवेंद्र से हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन स्थितियां लगातार भयानक होती जा रही है और यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे भारतीयों को अगले निर्देश तक अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने का सुझाव दिया गया है। अधिकारियों से बातचीत के बाद ही बॉर्डर पार करने की सलाह दी गई है। ये सलाह दी गई है जहां पर यूक्रेन में लगातार कई सारे भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने की पूरी कोशिश है भारतीय दूतावास की, और भारतीय दूतावास की तरफ से एक नई एडवाइजरी अब जारी की कर दी गई है जहां पर यूक्रेन में भारतीयों के लिए उनको सलाह दी गई है कि जहां पर वो है वहीं पर रहें, बॉर्डर पर नहीं जाने देने की सलाह दी गई है। यानी कि बॉर्डर पर उनको नहीं जाना है फिलहाल, जहां पर वो मौजूद है अपने अपने घरों में ही उनको रहने की हिदायत दी गई है। प्रियंका इस वक्त एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। प्रियंका, कितनी देर में वहां पर फ्लाइट्स पहुंचेंगी और कितने बच्चे आखिर आएंगे वहां पर? यूक्रेन एम्बेसी के बाहर आप मौजूद हैं प्रियंका, वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यूक्रेन एम्बेसी के बाहर मैं हूँ फिलहाल। आप देखेंगे कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर माँ बाप जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं और से वेयर अबाउट्स उनको अपने बच्चों के नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेन की एम्बेसी उनके लिए क्या कर रही है, उनकी सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछने के लिए तमाम जो माता पिता है यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन 10 बजे के बाद जब ये एम्बेसी खुलती है उसके बाद यहाँ पर तमाम पेरेंट्स आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, यहाँ से अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है। तरीके से देवेंद्र ने अभी बताया कि वहां पर पानी का संकट बना हुआ है, साथ ही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर नहीं हो पा रही है, सुपरमार्केट्स बंद है, लोकल मार्केट्स बंद है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है बच्चों के लिए, उन वो सवाल पूछने के लिए लगातार यहां पर मां बाप पहुंचते जा रहे हैं। प्रियंका, यानी